हाय गाइस, मैं हूं रुचिका। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल टिप्स बाय आरबी। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ एक ऐसा एंटी एजिंग कोलाजन बूस्टिंग फेस मास्क शेयर करने वाली हूं जो आपकी सैगिंग स्किन की प्रॉब्लम हो उसको दूर करेगा, स्किन में शाइन नहीं हो, स्किन एकदम लूज हो गई हो या फिर फाइन लाइंस या रिंकल्स आ गए हों, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ये मास्क आपके दूर करेगा। पहले एक वीडियो में मैंने आपको सीरम भी बताया था, वो सीरम आप यूज़ कर रहे होंगे आशा करती हूँ मैं। अब ये आप मास्क भी साथ में लगाइएगा और आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी टाइट हो गई है, यंग हो गई है बिल्कुल। और इसके इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल लिमिटेड से हैं, सारे आपके घर में अवेलेबल होंगे। ये मास्क कोलाजन बूस्टिंग है। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन सेल्स को ग्लू की तरह जोड़ के रखता है, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाता है, स्किन में फाइन लाइंस नहीं आने देता, स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखता है, स्किन को लूज होने से बचाता है। हमारी 75% स्किन कोलाजन प्रोटीन से ही बनी होती है। जैसे हमारी एज बढ़ती है कोलाजन का प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है। कोलाजन जो हमारा बॉडी में नेचुरली बनता है, एक एज के बाद उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और हमें उसके लिए बाहर से उसको बूस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ये जो मैं मास्क बता रही हूँ आपको बहुत इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन को बिल्कुल सैग नहीं होने देगा, लूज़ नहीं होने देगा। चलिए देख लेते हैं इस मास्क को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हम सबसे पहले हम लेंगे हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें स्किन में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को हल्दी रोकती है। टर्मरिक, हल्दी यानी टर्मरिक सदियों से हमारे स्किन केयर में यूज़ हो रही है और ये रंग को भी निखारती है, हमारे कलर को ब्राइट करती है। तो हम लेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी का। अब मैं ये किचन वाली हल्दी ले रही हूँ। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक यानी कस्तूरी हल्दी है तो आप इसका एक चम्मच भर के भी ले सकते हैं। किचन वाली हल्दी थोड़ा कलर स्टेन दे देती है इसलिए इसको कम क्वांटिटी में लेंगे, कस्तूरी हल्दी आप ज़्यादा ले सकते हैं। हमारी स्किन में पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो जाती है या रिंकल्स आने लगते हैं उनको भी रोकने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम लेंगे एक चम्मच, बड़ा चम्मच भर के एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, जिसको हम अरारोट का पाउडर भी बोलते हैं या कॉर्न स्टार्च के नाम से ये जो वाइट पाउडर मार्केट में मिलता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ये लेंगे। स्टार्च भी स्किन के रीजनरेशन में हेल्प करता है, स्किन सेल्स नए बनाने में हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। इलास्टिन नाम का जो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है उसको ये बूस्ट करता है और नेचुरली कोलाजन भी बूस्ट होता है। इससे इलास्टिसिटी भी स्किन की इम्प्रूव होती है और स्किन में फर्मनेस भी देता है, जो सैगिंग हो जाती है उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब हम 200 ml या एक गिलास जितना पानी लेंगे, इसमें मिलाएंगे एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और आधा चम्मच हल्दी और इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक यह थिक पेस्ट की फॉर्म में नहीं आ जाता, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन की हीलिंग करता है, कोई भी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है और स्किन को रीजनरेशन में हेल्प करता है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ऑयल। ऑयल हम या तो आलमंड ऑयल लेंगे या फिर लेंगे ऑलिव ऑयल। आलमंड ऑयल भी विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है, स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है, स्किन को डीपली नरिश करता है, जो भी ड्राइनेस स्किन में आ जाती है उसको भी ये रोकता है और स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पैक को जो बनाए इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, नेक पे भी अप्लाई करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सेमी ड्राई नहीं हो जाता तब तक के लिए इसे छोड़ देंगे। और इस मास्क को लगा के आपको अपना हेड टिल्ट रखना है, ज़्यादा अच्छा है अगर आप लगा के लेट जाएँ, उससे क्या होगा आपकी स्किन में एक अपलिफ्टिंग इफेक्ट मिलेगा, स्किन थोड़ी और लिफ्टेड लगेगी। कोई भी मास्क लगाते हैं तो आपको अगर अपलिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए होता है, चाहिए हो तो आप हमेशा मास्क लगाने के बाद थोड़ी देर लेट जाइए। 15 से 20 मिनट के बाद अपने इस मास्क को प्लेन वाटर से वॉश कर देंगे और आप देख सकते हैं आपकी स्किन कितनी टाइट ग्लोइंग हो चुकी है।
इसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए। मॉइस्चराइज करने के लिए आप ये जो मैंने सीरम दिखाया था, इस सीरम को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। ये भी एक कोलाजन बूस्टिंग सीरम है, तो ये दोनों का जब आप एक साथ यूज करेंगे तो आपकी स्किन में और ज्यादा कोलाजन का बूस्ट होगा और आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन फर्म एंड यंग हो जाएगी। आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे सुबह 11 बजे।